हाथों की हथेली या पैरों के तलवे में हर समय पसीना क्यों आता है, या आने का रीज़न क्या होता है एंड इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। लगभग सभी लोगों के पसीना आता है। पसीना आना बहुत अच्छी बात होती है। जो लोग वर्कआउट करते हैं या फिर जो लोग वर्क करते हैं उनके पसीना आता है। पसीने से जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है ना वो कंट्रोल होता है, यानी जो आपकी बॉडी का तापमान रहता है ना वो पसीना आने से कंट्रोल होता है। लेकिन किसी किसी के हाथों की हथेली या फिर पैरों के तलवे में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये आने का रीज़न क्या होता है। यह एक बीमारी होती है। इस बीमारी का नाम है हाइपर डाइऑक्सिस। ये बीमारी गर्मियों के कारण होती है। जब आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसके कारण ये बीमारी आपको होती है। इसके लिए आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा सकते हो, या फिर आप जो मैं होम ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको होम ट्रीटमेंट में क्या करना है, आपको एक पका हुआ टमाटर लेना है, पका हुआ लाल टमाटर। उसका आपको जूस निकालना, अगर वो देसी टमाटर हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जो मार्केट में मिल रहे हैं वो आजकल इंजेक्शन वाले टमाटर आ रहे हैं। लेकिन आप देसी टमाटर या फिर पका हुआ टमाटर आप ले सकते हो। उसका जूस आपको एक गिलास सुबह पीना है, एक गिलास शाम पीना है, यानी दो टमाटर का जूस आपको सुबह पीना है, दो टमाटर का जूस आपको शाम को पीना है। तो ये टमाटर का जूस पीने से आपको 15 या 1 महीने के अंदर अंदर इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट आप सुबह शाम फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये बीमारी है तो। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट ही नहीं करना चाहते तो आपको ये बीमारी आगे चलकर बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो अगर आपके ये समस्या है, अगर आपको हाथों की हथेली या फिर पैरों के तलवों में पसीना आ रहा है तो आप इस ट्रीटमेंट का यूज़ करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।